सैकड़ों तैजी समाज के लोग और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी छोड़ने जा रहे बुधनी विधानसभा के निवासी मध्य प्रदेश पूर्व सिलाई कला बोर्ड निगम के अध्यक्ष एवं कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री दर्जी दामोदर समाज के युवा नेता भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य सुनील माहेश्वरी का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें भाजपा से दुखी सुनील माहेश्वरी ने 30 सितंबर के बाद कभी भी बीजेपी पार्टी को छोड़ सकते हैं। भाजपा की तरफ से आए सीएम हाउस से फोन पर अपनी आपबीती सुनाते हुए पूर्व सिलाई कला बोर्ड अध्यक्ष को आगामी चुनाव में काम करने के लिए बोला जा रहा है एवं उनसे क्षेत्र में पार्टी की स्थिति का जायजा लेने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा फोन कर पूछा जा रहा है, जिसमें लगातार पार्टी के स्थानीय नेताओं द्वारा बार बार अपमानित करने को लेकर भाजपा छोड़ने की बात कही जा रही। युवा नेता द्वारा प्रदेश के पूरे दर्जी दामोदर समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध प्रचार करने की बात कर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सुनील माहेश्वरी का कहना है कि हम लोग 3 पीढ़ी से भाजपा सरकार की सेवा करते आ रहे, साथ ही भाजपा के लिए हमेशा अपना आप को तन मन धन से समर्पित करते हुए आए हैं, लेकिन आज हम लोग पार्टी की तरफ से सम्मान नहीं मिल रहा है। किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में हमारा नाम लिस्ट काट दिया जाता है, जिससे हमारे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है। साथ ही सुनील माहेश्वरी का कहना है कि अगर 4 दिन में दामोदर दर्जी समाज की महापंचायत नहीं बुलाते हैं तो मुख्यमंत्री तो हम सभी दर्जी समाज के लोग बीजेपी का दामन छोड़ने के लिए तैयार हैं। बैरुंदा से अजय कुमार राव की रिपोर्ट। सुनील जी, ये आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला है? निश्चित ही ऑडियो मेरी मन की पीड़ा है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश सरकार में सिलाई कला बोर्ड का गठन रहा अध्यक्ष रहा। उस सिलाई कला बोर्ड का गठन शिवराज जी ने दर्जी समाज के कल्याण के लिए बोर्ड बनाया था, लेकिन समाज का कल्याण हो नहीं पाया। ना तो हमें कोई व्यवस्थित बजट दिया गया, चुनाव के समय मात्र 8.5 महीने का मैं अध्यक्ष रहा और हमारी सरकार चली। सरकार आने के बाद लगातार 3.5 साल से वो बोर्ड में नियुक्ति नहीं हुई, जिससे समाजजनों में काफ़ी रोष व्याप्त है। क्योंकि अभी पिछले माह मुख्यमंत्री निवास में सभी समाजों को बोर्डों की नियुक्ति की गई, उनके महापंचायत की गई, लेकिन हमारी दर्जी समाज के किसी भी व्यक्ति को पंचायत के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है। और मेरी ये बार बार उपेक्षा हो रही, इससे भी समाज में काफ़ी गुस्सा व्याप्त है। और निश्चित ही हम समाजजनों से बात करके कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएंगे। अभी जो आपका ऑडियो चल रहा है, इसमें आप किससे बात कर रहे थे, किसका फोन था वो जिससे आप बात कर रहे? पार्टी कार्यालय से फोन आया था, वहाँ पर पार्टी के लिए काम करने का आग्रह किया गया था। मैंने कहा कि जब हमें यहीं पर सम्मान नहीं दिया जा रहा मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में, तो हमें कैसा किस बात का कार्य करूं। और मैं निश्चित ही मुझे बहुत पीड़ा होती है कि मन से मेरा नाम काट दिया जाता है, हमेशा शिलालेख में नाम गायब कर दिया जाता है। तो इससे क्षुब्ध होकर मैं समाजजनों से चर्चा करके आगामी समय पर पार्टी से इस्तीफा दूंगा। हाँ, अधिकतर देखने में यह आया कि जो नए कार्यकर्ता है या दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए, उनको मंच पे जगह दी जाती है, लेकिन आपका तो नाम ही नहीं होता, क्या कारण है इसका? जी हाँ, सही है। हमारे जैसे जनसंघी परिवार, मेरी 3री पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही है, 4री पीढ़ी मेरा बालक 11वीं क्लास में आ गया, वो भी तैयार हो रहा है, और हम जनसंघ से लेकर हमारी पूरी दर्जी समाज भारतीय जनता पार्टी को तन मन से साथ देकर जीत का वरण पहना रही है। मगर इन लोगों के द्वारा ये गुटबाजी फैलाकर राजनीति को गलत दिशा में मोड़ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं मेरे मन में और मेरे समाज के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति पीड़ा है। ना तो हमें कोई व्यवस्थित सम्मान दिया जा रहा है, लगातार अपमानित किया गया है, जिससे हमारे मन में पीड़ा है। और निश्चित ही हम आगामी समय में कदम उठाएंगे। हाँ, जैसा कि आपने उस ऑडियो में ये बोला कि आप 30 तारीख के बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं, आप अकेले छोड़ेंगे या आपके समाज के साथ और अन्य पदाधिकारी भी छोड़ेंगे? निश्चित ही जब मैं समाज की राजनीति करता हूँ, समाज के हित में कार्य करता हूँ, तो समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुख्यमंत्री जी या भाजपा संगठन ने मुझे नियुक्त किया गया था, तो समाज के लोग मेरे साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता जो उपेक्षित हो रहे हैं, तो वो मेरे साथ निश्चित इस्तीफा देंगे। 30 तारीख तक का हमने समय दिया है, 30 तारीख तक यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, हमारे समाज की महापंचायत नहीं बुलाई गई, तो हम निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी से दुखी मन से इस्तीफा देंगे। और जैसे पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आप अन्य दल में जाएंगे या क्या रहेगा अगला कदम? ये तो भविष्य की रूपरेखा है, लेकिन अभी तो हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर अपने घर बैठना है, क्योंकि पार्टी को बहुत समय दिया और अगर पार्टी के द्वारा ऐसी उपेक्षा की गई तो हम क्यों ऐसी पार्टी में काम करेंगे। मुझे दुख होगा कि जिस पार्टी को हमारे पूर्वजों ने सींचा है, हमारे समाज के लोगों ने तन मन धन से सपोर्ट करा, उसी पार्टी में एक सच्चे सिपाही के साथ उपेक्षा की जा रही, ये कहीं ना कहीं दुख का कारण है, पार्टी के लिए पतन का कारण है। और निश्चित ही ऐसे में पतन होगा और हम
और हमारी समाज दुखी है और हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदों से इस्तीफा देकर अपने घर रहेंगे। अभी 8 दिन पहले और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी से राजेश पटेल द्वारा 1500 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी छोड़ी गई है, तो क्या आप भी ऐसे ही मतदाता बल और सामाजिक बल के साथ छोड़ेंगे या अकेले छोड़ेंगे? निश्चित ही जब समाज का नेता जाता है तो समाज के दल बल के ही साथ जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी जाट साहब का भी पटेल साहब का भी